देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के घमंडपुर में 130 साल पुरानी बावड़ी आज भी पहले जैसी दिखती है। घमंडपुर में अब पानी घरों तक पहुंचता है, पर पहले के जमाने में सभी इसी बावड़ी पर निर्भर थे। भोगपुर नहर जो चाखन नदी से जुड़ी है, कई गांवों को पार करके घमंडपुर पहुंची थी। खेतों को सींचते हुए भोगपुर नहर का पानी इस बावड़ी में भी आता था। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं घमंडपुर का वासी हूँ और मैं अपने जीवन काल में इसको ऐसे ही देखता आया। अच्छा, इसका भरने का सिस्टम ऐसा होता था, भोगपुर से जो नहर आती थी उसका पानी इसमें आता था, उससे इसको भरा जाता था। ठीक, अब उसके बाद इसमें इस तरफ वो टूट चुकी है, यहाँ पे एक सिस्टम था, यहाँ पर बना हुआ निकासी होती थी, यहाँ पे नल वगैरह होते थे और उससे हम लोग पानी वगैरह मम्मी पापा के साथ आता था। मैं बहुत छोटा था, मैं तब आया करते थे हम दो तो यहाँ से पानी भरने के लिए आया करते थे। पूरा गांव यहीं से पानी पीता था, इसी बॉडी का पानी पीता था और राजा महाराजा भी इसी का पानी पीते थे यहाँ से। मैं तो 50 साल का हो चुका हूँ और 50 साल से पहले से मतलब 1894 की बनी हुई है ये। पूरा गाँव इसी पानी को पी के पला बढ़ा और आज इसका कोई यूज नहीं है, आपको घर घर में नल हो गए। बाकी स्ट्रक्चर ये जितना भी है सब पुराना राजा महाराजा के टाइम का है। वैसे ज़रूरत कभी कोई पड़ी नहीं है इसकी, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से ये पत्ते वत्ते गिर जाते हैं ना इसमें, वैसे कोई गंदगी नहीं है इसमें। ये जो अब दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, अब इसके पत्ते सब यहीं गिर जाते हैं, काई जम गई, वैसे ऐसी कोई गंदगी नहीं डालता इसमें कोई। वैसे साफ इसको साफ किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। नहीं, नहर है अभी, वो अंडरग्राउंड हो गई है ना। जी, आता है पानी। अगर आप नीचे आगे इसका नाका है, नाका बोलते हैं उसको, जहाँ से पानी निकास होता है, तो उससे लाओगे तो आप आ जाएगा पानी भी। पर ये आपके गांव की विरासत। जी। और आप क्या चाहेंगे कि इसको सहज के रखा जाए? जी, सहज तो अभी तक तो सहज के रखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसलिए नहीं देते लोग कि घर घर में पानी हो गया, इसलिए साफ सफाई इसकी कोई करता नहीं है। अब तो जी यहीं पे ट्यूबवेल हो गए, पहले रानी पोखरी से आता था जी, रानी पोखरी ऊपर तेलपुरा से आता था, लेकिन अब तो यहीं पे ट्यूबवेल हो गए, दो दो ट्यूबवेल हैं। ये कांग्रेस के टाइम पे सुरवीर सिंह सजवाल जी ने सिंचाई मंत्री थे, वो उन्होंने खेती का ट्यूबवेल उन्होंने लगाया, बीजेपी की राज में पेयजल बनाए। जी, अब तो ओवरहेड टैंक भी बन चुका है यहाँ पे, वो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अब बहुत अच्छी व्यवस्था है।